बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मशरिकी के साथ मैं हूं फिजा कवर। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब्दुल कादिर बलोच नू लीग से अलग हो गए। सनाउल्लाह ज़ेरी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इस्तीफे का ऐलान। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ DGISI का नाम लेकर कहा तमाम मसाइल की वजह वही है। नवाज शरीफ ने कहा फौज आर्मी चीफ के वो फैसले माने जो आईनी हो। आईन की तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट करती है, वो परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ का फैसला नहीं कर सकी। ऐसा करना फौज में बगावत का भी गुनाह है। अब्दुल कादिर बलोच का जलसे से खिताब। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जनाब जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने जिला हरनाई में नौ तामीर शुदा जुडिशियल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर जस्टिस जनाब जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस जनाब जस्टिस अब्दुल्ला बलोच, सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद खान दुमर, रुकन सूबाई असम्बली लैला तरीन, जिला हरनाई के कबाइली मोतबरीन और वकला बिरादरी और जिले इंतजामिया भी मौजूद थे। ब्रेस्ट कैंसर आगाही के हवाले से अब्दुल करीम हॉस्पिटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में रुकन कौमी असम्बली रुबीना इरफान, डिप्टी कमिश्नर इज्जत नजीर बलोच, साबिक वजीर आगा इरफान करीम अहमद जई, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नसुल्ला डांगो, डॉक्टर सहेला जरीन और दीगर शरीक थे। बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर सुहेला जरीन, जिसने प्रिंस अब्दुल करीम हॉस्पिटल तलाक में एक ऐसा प्रोग्राम अवेयरनेस का इनेकाद किया कि जहाँ पे हमारी बहनें बच्चियों को ये आगाही मिली कि सरतान कैसी सख्त वबा है, ऐसी बीमारी जिससे 50% खाली नाम लेने से लोग मर जाते हैं। मैं ये भी कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी खासकर हाई स्कूल्स हैं और डिग्री कॉलेज हैं, तो गर्ल्स कॉलेज हो गया, हमारे हाई स्कूल्स कुछ गर्ल्स के हो गए, मिडिल स्कूल्स हो गए, उस कुछ टीचर्स को भी हमें ये ट्रेन कराना है कि फर्दर वो बच्चियों को ये कंपेन में फर्दर मदद करें और उनको अवेयर करें कि व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम इनेकाद किया था और हमें यहाँ के कलात के लोगों को, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है, इन्हें हमें अवेयर करना था, इन्हें हमें आगाही देना था कि इस बीमारी को हम किस तरह पहचान सकते हैं और इसकी हम कितनी आगाही बढ़ा सकते हैं और इसका किस तरह इलाज होता है। ये बीमारी पाकिस्तान में हर एक औरत, 10 औरतों में हर एक औरत को होती है और ये बहुत ज़रूरी था कि हमारे यहाँ के लोग इस बीमारी के बारे में जानें, क्योंकि वो नहीं जानते। कोटा जिले की कचहरी में वकला पैनल की जानिब से कोटा बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से डिनर का इनेकाद किया गया। तकरीब में सीनियर वकला को मधु किया गया था। तकरीब की सरबराही सीनियर एडवोकेट कामरान मुर्तजा कर रहे थे। तकरीब में सीनियर एडवोकेट अली अहमद गुर्द, हाजी शकील, इसहाक नोतजई, हाजी इब्राहिम लहरी और दीगर मौजूद थे। तकरीब के शुरुआत का कहना था कि वकला पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं, वकला के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। तमाम वकला हमारे भाई हैं, हम अपने भाइयों के लिए हर जद्दोजहद में उनके साथ हैं। कोयटा बार की अपनी तारीख है, तारीख जो हमें याद है मामद अहमद मिर्ज़ा से शुरू होती है, या बख्तियार साहब पे शुरू होती है, बिशारतुल्ला साहब से शुरू होती है, चिश्ती साहब से शुरू होती है, खालिद मलिक से शुरू होती है और ये हम तक पहुंची है। और जो एक खूबसूरत बार पूरे मुल्क में जो खूबसूरत बार जिसको कह सकते हैं वो कोयटा बार है। दुश्मन जो है ना वो चाहता है कि इस मुल्क की क्रीम को जो है ना वो एलिमिनेट किया जाए। आपको जंग अजीम के दौर का याद होगा कि जितने पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने उसको अलग से शिफ्ट कर दिया था, तो ये पढ़े लिखे हलकों पर आपने देखा, इससे पहले डॉक्टरों को टारगेट किया जा रहा था, फिर उसके बाद वकला को टारगेट करना शुरू किया गया, टीचर्स को टारगेट करना शुरू किया गया, तो इस तरह से ताकि जो है ना वो इस सूबे से, इस मुल्क से जो है ना वो जो ये पढ़ी लिखी क्रीम सी है वो इसमें वो डर जाए और वो खौफ का शिकार हो और वो अपनी खिदमत ना अंजाम दे पाए। तो हमारे सबसे जो 8 अगस्त के बाद, तो 8 अगस्त में जो के शहदा हैं उनको पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ और उसके अलावा जितने भी इसमें हमारे साथी मुझ समेत जो है ना वो ज़ख्मी हुए थे, तो मैं हमारी जो है ना उनके फैमिलीज़ के लिए जो कि शहीद हुए हैं उनके लिए हम अपने इस जमा में इंशाल्लाह ऊपर उम्मीद है हूँ कि मैं अपने पैनल के साथ जो है ना कंटेस्ट करने के बाद जो है ना मैं, मेरी पैनल और मेरा जो पूरा पैनल है वो इंशाल्लाह जीतेगा। हमारे बहुत से प्रोग्राम और पॉलिसीज़ है जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपके सामने पेश की, इसमें हमारा फोकस ये है कि सर
दरियाब अदालत अब नया वहाँ पर बना है, शिफ्ट है, और वहाँ पर उनके काफ़ी मसाइल है, उन मसाइल को हम सामने रखकर काम करेंगे। आज इस तकरीब को हम लोग बहुत गम के हवाले से मना रहे हैं क्योंकि हमारा एक दोस्त, हमारा एक साथी वकार राजपूत साहब जो लाहौर में शहीद किया गया है, एडवोकेट है, उसके हवाले से हमारे यहाँ पर काफ़ी और भी इसमें तकरीब में चीज़ें शामिल थी तो वो हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया। हिंदू बिरादरी की जाने से गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत महाराज बाबा घनश्याम दास कर रहे थे। रैली गुरु नानक मंदिर, अस्पताल रोड और शाही बाजार से होती हुई बाबू नौरोज खान चौक पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। दालबंदी में मुख्तलिफ पार्टियों के जेर एहतमाम अशकाने रसूल का फ्रांसीसी सदर की शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ रैली निकाली गई जो मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए मरकजी चौक पर जमा हुए और फ्रांसीसी परचम नजर आतिश कर दिया गया। लोरालाई पुलिस की कार्रवाई, ऑयल टैंकर से 200 किलोग्राम चरस बरामद, चरस खुफिया खानों में छुपाई गई थी। पुलिस ने दो अफराद मोहम्मद सुहेल और मुसविर हसन को हिरासत में ले लिया। मुलजमान रावलपिंडी के रिहायशी है। चरस की मालियत 17 लाख रुपए से जायद है। चरस चमन से पंजाब सप्लाई की जा रही थी। बलोचिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जेरे एहतमाम क्वेटा डिवीजन के तनसाजों के लिए मिस्टर क्वेटा और जूनियर मिस्टर क्वेटा के लिए मुकाबले मुनक्किद हुए जिसमें क्वेटा डिवीजन के 80 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आइए मजीद जानते हैं सैयद शाहजेब शाह की इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के ज़ेर तमाम क्वेटा डिवीज़न के तनसाज़ों के लिए मुकाबले मुनक्किद किए गए जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और खिलाड़ियों को दाद दी। मुकाबले मिस्टर क्वेटा और जूनियर मिस्टर क्वेटा के लिए मुनक्किद हुए। मुकाबलों में क्वेटा डिवीज़न के 80 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी सेक्रेटरी खेल इमरान गिचकी थे, उनके हमरा दीगर सियासी और समाजी रहनुमा मौजूद थे। एक तो आपका बहुत शुक्रिया मुशरक, हमें बड़ा रेगुलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तमाम उसमें तमाम बलूचिस्तान में, और मैं ये समझता हूँ कि आपकी काविश है कि आप किस तरह प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, तो इंशाल्लाह हम इसी तरह आगे चलते रहेंगे। और जहाँ तक बात है, आज ही हमारी मीटिंग हुई है कि आज अभी हमारा एक बड़ा मेगा इवेंट ख़त्म हुआ है तो उसके बाद अभी हम सोच रहे थे कि अभी इसके बाद क्या दो इवेंट्स हम करवा सकते हैं, तो आज हमारी डिस्कशन हुई है उस पर। अभी हमने होमवर्क शुरू किया है, एक तो हॉकी ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट और दूसरा क्वेटा प्रीमियर लीग के हवाले से हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं मशरक न्यूज़ का बहुत ही ममनून और मशहूर हूँ कि वो हर जगह खेल के मैदान में हो, चाहे जिस सियासत के मैदान में हो, जहाँ पे हो, मशरक न्यूज़ जो है सबसे पहले पहले वहाँ पे पहुँच जाती है। देखिए जी, बलूचिस्तान हमारा एक सूबा है। बलूचिस्तान में जो है जो स्पोर्ट्स के जो खेल के है वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। जहाँ भी बलूचिस्तान के इलाके वहाँ पे स्पोर्ट्स के जो है प्रोग्राम्स होने चाहिए क्योंकि हमारे बलूचिस्तान के जो स्पोर्ट्स के जो जवान हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट रखते हैं। आज तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, तो ये नौजवान नस्ल जब बॉडी बिल्डिंग के इस मैदानों में और मंशियात से बचना यही है वाहिद रास्ता है कि वो खेल के मैदानों में रागब हो जाए। हमारे तमाम बलूचिस्तान के नौजवान अगर खेल के मैदानों में रागब हो जाए तो इंशाल्लाह ताला ये मंशियात की नालत से दूर हो जाएंगे। खिलाड़ियों का कहना था कि बॉडी बिल्डिंग वो वाहिद गेम है जिससे इंसान फिट रहता है और मंशियात से दूर रहता है। मैं यहाँ पर जो आया हूँ बहुत खुश हूँ, इस आदमी ने मुझे बहुत, इस लोगों ने मुझे बहुत खुशी दी है। यहाँ पर जो मैं आया हूँ मैं खुशी का एहसास कर रहा हूँ। मैंने खुद भी मेहनत की और निसार खान आनीब खान ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। जो जेनियन एसोसिएशन है उसको प्रमोट करें और जो ताकि हमारे बलूचिस्तान को पाकिस्तान और वर्ल्ड में कामयाब कर सके। हुकूमत का मंशूर है कि अगले आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद कराएगी जिससे बलूचिस्तान का मुस्बत पहलू दुनिया के सामने आएगा। कैमरामैन टीम के साथ सैयद शाहजेब शाह, मशरक HD, क्वेटा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।